नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन वर्सेस Oppo Reno 7 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Reno 6 Pro 5G में 6.3 इंच जबकि Reno 7 5G में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Reno 6 Pro 5G में 2.88 इंच जबकि Reno 7 5G में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Reno 6 Pro 5G में 0.3 इंच जबकि Reno 7 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Reno 6 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Reno 6 Pro 5G में 177 ग्राम्स जबकि Reno 7 5G में 173 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Reno 6 Pro 5G में 6.55 इंचेस जबकि Reno 7 5G में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Reno 6 Pro 5G में 88.56% जबकि Reno 7 5G में 84.91% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Reno 6 Pro 5G में 402 पिक्सल प्रति इंच जबकि Reno 7 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Reno 6 Pro 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Reno 7 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Reno 6 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Reno 7 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Reno 6 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Reno 7 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Reno 6 Pro 5G में Mali G77 MC9 जबकि Reno 7 5G में Mali G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Reno 6 Pro 5G में MediaTek Dimensity 1200MT6893 और Reno 7 5G में MediaTek Dimensity 900MT6877 मिलता है। बात करें RAM की तो Reno 6 Pro 5G में 12GB जबकि Reno 7 5G में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Reno 6 Pro 5G में नहीं है जबकि Reno 7 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Reno 6 Pro 5G में 1 कलर्स जबकि Reno 7 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Reno 6 Pro 5G 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 41,990 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Reno 7 5G की तो वो 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 28,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Oppo Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में 5 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo Reno 7 5G की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Reno 7 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है, दूसरा रियलमी X7 Pro है, तीसरा Vivo X60 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo X60 Pro Plus है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।